दोस्तों मेरा नाम तनिष्क अग्रवाल है और मेरी वीडियोस होंगी लाइफस्टाइल, फैशन, पर्सनालिटी और बिजनेस के ऊपर। और आज हम बात करेंगे आपको अपने आप को कैसे ज़्यादा ट्रेंडी और फैशनेबल बनाना है। फैशन टर्म को हमेशा से ही मिसअंडरस्टूड किया गया है। ये आपकी शालीनता, आपकी मॉडेस्टी को प्रोटेक्ट करता है। फैशन से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, हमें हमारे फैशन से कॉन्फिडेंस भी मिलता है। सन 2016 में जब प्रियंका चोपड़ा को ऑस्कर अवार्ड का प्रेजेंटर बनाया गया था, उसको 4 करोड़ रुपये का गाउन और 65 करोड़ रुपए की ज्वेलरी मिली थी। ये सिर्फ उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ही था। भूलेगा नहीं, सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बन चुकी है। उसके बाद उसे सैकड़ों हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज़ भी करी है। स्टिल उसके बाद उसको 70 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और कपड़े दिलवाए गए। ये सिर्फ उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ही था। तो कॉन्फिडेंस अरबों रुपये का है और ये आपको आपके फैशन से ही मिल सकता है। फैशन इज़ द वे यू थिंक। इससे आपके थॉट्स, आपकी सोच पता चलती है। मैं मानता हूँ कि आउटर पर्सनैलिटी, इनर पर्सनैलिटी जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों भूलेगा नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आप किसी कोर्स एडमिशन के लिए जाते हैं या जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपका वेल ड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज यू आर पेड वेल इफ़ यू आर ड्रेस्ड वेल। पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल लाइफ में भी लोग आपको आपके फैशन के ऊपर ही जज करते हैं। लोग तो आपको हर जगह ही जज करते हैं। इससे आपकी कल्चर, अपब्रिंगिंग, एजुकेशन एंड एटीट्यूड के बारे में पता चलता है। मेंस फैशन को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है कैजुअल, फिर आती है फॉर्मल, और एक होती है सेमी कैजुअल, सेमी फॉर्मल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कैसे आप एक ट्रेंडी कॉलेज वेयर शर्ट ले सकते हैं। तो जैसे कि आप मेरी शर्ट देख रहे हैं, ये एक प्रिंटेड शर्ट है, तभी ये एक फॉर्मल शर्ट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इसमें ज़्यादा कलर्स नहीं है कि डिज़ाइनर नहीं है, इसलिए ये कैजुअल शर्ट भी नहीं है, तभी ये एक सेमी कैजुअल, सेमी फॉर्मल शर्ट है। तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कैसे मैंने अपनी शर्ट की स्लीव को फोल्ड किया हुआ है, इसी तरह आप भी अपनी शर्ट की स्लीव को फोल्ड करके एक फॉर्मल शर्ट को कैजुअल शर्ट पर कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि आपने फोल्ड किया नहीं, एक अच्छी खासी फॉर्मल शर्ट कैजुअल शर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप किसी इंटरव्यू में, किसी प्रेजेंटेशन में अपनी शर्ट को फोल्ड ना करें। लेकिन आप अपने डेली वेयर में, जब आपको स्टेज पर नहीं आना, आप अपनी शर्ट को ऐसे फोल्ड करके ज़्यादा ट्रेंडी लग सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आपकी शर्ट की फिटिंग के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल मार्केट में काफ़ी सारी फिटिंग्स अवेलेबल है, जैसे स्किनी फिट, फिर आती है स्लिम फिट, फिर आती है कम्फर्ट फिट एंड फिर लूज फिट। तो अगर आप थोड़े से हेल्दी है, आपकी बॉडी पे थोड़े फ्लैब्स हैं, तो आपको स्किनी फिट और स्लिम फिट अवॉइड करके कंफर्ट फिट पहननी चाहिए। लेकिन आपकी बिल्कुल ही लीन बॉडी है और आप बिल्कुल स्किनी से है, आपका फिजिक बहुत अच्छा है, तो आपको स्लिम फिट और स्किनी फिट ही पहनना चाहिए, इससे आप ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं शर्ट के बटन्स के बारे में। एक ट्रेंडी कॉलेज वेयर शर्ट के बटन बिल्कुल मर्ज होने चाहिए, उभर कर नहीं आने चाहिए। जैसे कि आप मेरी शर्ट के बटन देख रहे हैं, ये बिल्कुल मर्ज हो रहे हैं प्रिंट के साथ, उभर कर नहीं आ रहे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एक पार्टी वेयर खरीदने जाते हैं तो उसके बटन स्टैंड आउट कर सकते हैं, कभी कभार वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। अब बटन के बाद हम बात करते हैं आपकी शर्ट के कॉलर्स के बारे में। आजकल मार्केट में काफ़ी तरीके के कॉलर्स आ रहे हैं। कैजुअल कॉलर्स अलग होते हैं एंड फॉर्मल कॉलर्स अलग होते हैं। एक ट्रेंडी शर्ट का कॉलर ना तो ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। जैसे कि आप मेरा कॉलर देख रहे हैं, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट यूजुअली फॉर्मल शर्ट के कॉलर्स काफ़ी हार्ड होते हैं। उनके अंदर एक मटेरियल डाला गया होता है जो आपकी शर्ट के कफ के अंदर भी होता है। इसे दोस्तों एक ट्रेंडी शर्ट खरीदते टाइम आपको याद रखना है कि कॉलर ज़्यादा हार्ड ना हो और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके ट्रेंडी कॉलेज वेयर शर्ट के प्रिंट्स के बारे में। आजकल प्लेन शर्ट्स बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। अगर आपको प्लेन शर्ट नहीं पहननी तो आप एक छोटे छोटे प्रिंट्स वाली शर्ट खरीद सकते हैं, जैसे कि आप मेरी शर्ट देख रहे हैं। अगर आपको छोटे प्रिंट्स नहीं पसंद तो आप चेक शर्ट्स खरीद सकते हैं। छोटे या बड़े चेक्स बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल लगते हैं। आपकी ट्रेंडी शर्ट पे स्ट्राइप्स नहीं होने चाहिए, वो डिज़ाइनर नहीं होनी चाहिए और वो ब्राइट नहीं होनी चाहिए। स्ट्राइप्स आपकी शर्ट को एक फॉर्मल लुक देती है। दूसरी तरफ डिज़ाइनर या फिर ब्राइट शर्ट्स एक पार्टी वेयर के अंदर आती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आपकी ट्रेंडी शर्ट के कट के बारे में। आपकी ट्रेंडी शर्ट का कट एक अमेरिकन कट होना चाहिए। आपकी जो शर्ट के नीचे की लेंथ होती है वो एक अमेरिकन कट होना चाहिए। आप उसको बाहर निकाल कर पहन सकते हैं, उसको इंसर्ट कर पहन सकते हैं। यूजुअली जो एक फॉर्मल शर्ट होती है उसका एक स्ट्रेट कट होता है, पैरेलल टू द ग्राउंड होता है। एक ट्रेंडी शर्ट का कट हमेशा अमेरिकन कट होना चाहिए। आपको ये भी याद रखना है कि आपकी शर्ट लेंथ पे ज़्यादा लंबी ना हो और ना ही ज़्यादा शॉर्ट हो। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आपको लाइफस्टाइल के ऊपर, फैशन के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर और बिज़नेस के ऊपर टिप्स देते रहूँगा। अगर आप ये बिज़नेस कोर्स या
पब्लिक स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर लिखे हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करना, साथ में सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना और बेल आइकन हिट करना, नहीं तो आपको मेरे आने वाले अपडेट्स नहीं मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।